कवि सम्मेलन एवं मुशायरे की ताजा वीडियो प्राप्त करने के लिए गजल संध्या परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अदम गोंडवी साहब के चार मिसरे शिवम हदवान में सौंपता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारी एक शब्द ध्यान रखना, रकाबी, रकाबी प्लेट को कहते हैं। अब सुनना, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम चांदी के, मगर जुम्मन के घर में आज भी टूटी रखा दी। सब लोगों के हाथ उठ जाएं एक बार और आवाज दीजिए भाई शिवम। का पाठ होगा उनके लिए, श्रद्धांजलि होगी। एक बार उनके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें। मूलतया श्रृंगार का कवि हूँ, मोहब्बत लिखता हूँ, मोहब्बत पढ़ता हूँ और मोहब्बत करता भी। हाँ बेटा, तुम्हारी उम्र भी ऐसी है। हाँ, पहले ये भी थे ना उसी में, ये टीचर है हमारे, हम सीखते हैं। चार पंक्तियां शुरू करता हूँ। लेकिन योग्यता जी, हाँ पढ़ो अब योग्यता की, जो समर्पित जरूर करो। ये सब मोहल्ला बिगाड़ू लोग हैं, ताली बजा सकते हो। और हमारे बीच अनुज गौड़ साहब, वासुदेव जी और आदरणीय स्वामी जी यहाँ बैठे हैं। आदरणीय गौरव जी से एक निवेदन, इनका चेहरा देखिए, इनके चेहरे में इतना तेज है कि बॉलीवुड के तीनों खानों से ज्यादा कहीं तेज इनके चेहरे में झलक रहा है जी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। और देवेंद्र आग, बहुत ही जबरदस्त कवि, एकलव्य है आज की डेट का, आदरणीय को गुरु माना वो हम लोग शुरू जानते हैं और एक्सेप्ट भी किया, ये बहुत बड़ी महानता है। लेकिन निवेदन ये है कि द्रोणाचार न बन जाइए। चार पंक्ति शुरू करता हूँ जहाँ से योग्यता जी छोड़ के गई है। हाँ, वही शुरू करता हूँ। हाँ बेटा, और चार पंक्तियाँ देखिएगा। कि तेरी खुशबू से वो भीतर होगा, तेरी खुशबू से वो भीतर होगा, तेरे बाजू में जिसका घर होगा, तेरे बाजू में जिसका घर होगा। ये फिजा आज बदली बदली है, ये फिजा आज बदली बदली है, तेरी मुस्कान का असर होगा, तेरी मुस्कान का असर होगा, तेरी मुस्कान का असर होगा। और बोल रहे हैं कि आप मेरे चांद हैं, तो हम लोग भी कुछ समझते हैं आपको। वहाँ चार पंक्तियाँ सुन, स्वागत है अल्लाह। कि मेरे सपनों की रानी तुम ही हो सनम। एक एक शख्स को कसम अपनी मोहब्बत की, अगर हाथ खामोश है चौथे। अरे नहीं, जिन्होंने मोहब्बत नहीं की है वो भी बचाएंगे बेटा। हाँ आज से शुरू करेंगे। कि मेरे सपनों की रानी तुम ही हो सनम, मेरे सपनों की रानी तुम ही हो सनम, उस खुदा की निशानी तुम ही हो सनम, उस खुदा की निशानी तुम ही हो सनम। आपका चेहरा देखा तो ऐसा लगा, आपका चेहरा देखा तो ऐसा लगा, प्यार की राजधानी तुम ही हो सनम। ओ जिंदाबाद, वाह। और जिसको पढ़ने को आतुर सभी लोग हैं, प्यार की वो कहानी तुम ही हो सनम। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार आदरणीय के जोरदार तालियां बजा दी। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा, सब लोग एक बार फिर बजाओ इस पक्ष के लिए, बढ़िया से। चार पंक्ति थोड़ा कविता की तरफ रुख कर रहा हूँ, अगर कविता हो जाए तो मन से भी आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिएगा, कि प्यारे हमने किया तो खबर हो गई, प्यारे हमने किया तो खबर हो गई, सारी दुनिया की हम पे नजर हो गई, सारी दुनिया की हम पे नजर हो गई, प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं, प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं, प्यार करके ही मीर
मेरा अमर हो प्यार करके ही मेरा अमर हो गई। चार पंक्तियां और अपनी मोहब्बत को याद करिएगा। अभी छत पे अकेले अगर शाम को टहले हो और आपकी महबूबा याद आई हो, ये चार पंक्तियां आदरणीय मन संचालक की तरडू में रखो। स्वागत है बेटा, कम उम्र है, अनुभव अच्छा है। सज सवर करके जब यार मेरा चला, बस उसी की खुमारी ही छाने लगी। अगर शायरी तो मुझे चाहता हूँ। सज सवर करके जब यार मेरा चला, बस उसी की खुमारी ही छाने लगी। उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, उसकी खुशबू गुलाबों से आने लगी। जिंदाबाद। उसकी खुशबू गुलाबों से आने लगी एक रोज। और यहाँ पे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बच्चा है, अभी बिगड़ा नहीं है, लेकिन संभावना है। यहाँ पे नारी शक्ति मौजूद है, और अगर बेटियों की बात न की जाए, नारी शक्ति की बात न की जाए, हाँ बेटा, तो बेकार है। मंच में भी नारी शक्ति मौजूद है, आदरणीय यहाँ पे इंजन का काम कर रहे हैं हम सब बोगी लगे हुए, और इसमें एक इकलौती बोगी, एक ही एसी डिब्बा है बस, और उसमें आदरणीय जो है बिना टिकट यात्रा करना चाहते, सबसे बड़ी समस्या तो यही। एक बार जोरदार तालियां बजा दे आदरणीय के लिए। हाँ बेटा स्वागत है। कि आज की कोई कमजोर औरत नहीं, और किसी से भी कम इनकी शोहरत नहीं। आज की कोई कमजोर औरत नहीं, और किसी से भी कम इनकी शोहरत नहीं। दो घरों को सजाती है ये बेटियां, दो घरों को सजाती है ये बेटियां। बेटियों से बड़ी कोई दौलत नहीं, दो घरों को सजाती है ये बेटियां। और बेटियां अपने घर में कुछ दिनों के मेहमान होती हैं, जिनके घर में बेटी होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं, और जिन घर में बेटियां नहीं होती दुर्भाग्यशाली होते हैं। जिन घरों में बेटी है उनकी हिफाजत करना सीख लीजिए आप लोग। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ। कि दर्द दिल में दबा कर चली जाएंगी बेटियां, कुछ दिनों के मेहमान है। कि दर्द दिल में दबा कर चली जाएंगी, ख्वाब अपने सजा कर चली जाएंगी, ख्वाब अपने सजा कर चली जाएंगी। रोशनी दो घरों की है ये बेटियां, रोशनी दो घरों की है ये बेटियां। एक दिन ये रुला कर चले जाएंगे। बहुत अच्छे, क्या बात है। दो मुक्तक उसके बाद अपने विधा फेर है, और ये इटावा में पहली बार आया हूँ। और अभी आप लोगों को याद होगा, ठीक एक साल पहले आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री यहाँ भी बने थे। आदरणीय देखिएगा, ये मुक्तक थोड़ा बड़ा पहचान दिलाई मुझको। बेटा तुम्हारे सारे मुक्तक पहचान वाले हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारा सौभाग्य। फिर ताली बजाओ राजा बेटा के लिए। हाँ भैया स्वागत है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं वहाँ तक का सफर कराना चाहता हूँ जहाँ से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली है, और जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अकेले प्रचार करके सभी को किनारे कर दिया। किसी का नाम नहीं लूंगा चारों पंक्ति में, लेकिन आप लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। आदरणीय गौरव साहब का आशीर्वाद चाहता हूं इस पंक्तियों के। हाँ बेटा स्वागत है। कि वो अकेला ही सब जीत कर ले गया। नाम नहीं लेंगे, नहीं जान जाएंगे नरेंद्र मोदी जी की बात कर। कि वो अकेला ही सब जीत कर ले गया, और किसी को मशीनों का डर ले गया। कि वो अकेला ही सब जीत कर ले गया, और किसी को मशीनों का डर ले गया। काम तो आपने कुछ किए थे मगर, काम तो आपने कुछ किए थे मगर, आपको तो मुजफ्फरनगर ले गया। काम आपको तो
मुजफ्फर नगर ले गया काम और बहुत अच्छा है लल्ला। चार पंक्तियां और पढ़ते हैं। मंच अपनी ऊंचान पे पहुंच चुका है जी, और यहाँ पे जितने भी कवि हैं उच्चता में भले भिन्न भिन्न लेकिन निम्नता में समान है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। मैं इस परिध से बाहर हूँ। नहीं, कुनबे के मुखिया आप ही हैं। तो जो मुखिया होता है वो बड़ा होता है, तेरा प्रमुख। एक बार इनके जोरदार तालियां बजा दें। अच्छा, एक बार आदरणी गए मेडिकल स्टोर में, बोले भैया हनी मिलेगी? तो दुकानदार ने कहा भैया पतंजलि दे दें कि डाबर वाली दे दें? तो कहने का डेरा वाली हो दे तो यार उससे बढ़िया कोई नहीं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। और बुलेट ट्रेन बहुत चर्चे में थी अभी तक, वहां से चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आदरणी देखिएगा कि अब बताओ कली ये खिलेगी कहाँ, इतनी दमदार पटरी मिलेगी कहाँ। अब बताओ कली ये खिलेगी कहाँ, इतनी दमदार पटरी मिलेगी कहाँ। हादसे हो रहे ट्रैक कमजोर है, हादसे हो रहे ट्रैक कमजोर है, ये बुलेट ट्रेन बोलो चलेगी कहाँ। सच बोला बेटा, ये बुलेट ट्रेन बोलो चलेगी कहाँ। चार पंक्तियां और सच बोलना चाहता हूँ, कल के हालात जोड़ता हूँ। मैं इलाहाबाद रहता हूँ, फूलपुर विधानसभा सीट क्यों हार गई मैं बताता हूँ। आदरणीय वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी गए प्रचार करने, सौभाग्य था कि मैं भी मंच पे वही मौजूद था। उन्होंने बड़े उसमें कहा मैं 1,00,000 वोटों से जीत रहा, लेकिन जो बोलने की टोन थी वो थोड़ा चेंज थी, गुरूर था जी भैया। अगर मंच से ये बात नहीं बोली जाएगी थोड़ा सलीका होता है, बस सलीके से अगर बात कहती हो तो आशीर्वाद चाहता हूँ। कि देश मेरा जुमले बाजों से उबा है। क्या हुआ कि जिसकी वजह से इनकी तीनों के तीनों लोकसभा सीट उपचुनाव में हार गए। अगर ये सुधार नहीं करते तो 19 में हम लोगों को थोड़ा दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। कि देश मेरा जुमले बाजों से उबा है, दिखा दिया जनता ने क्या मंसूबा है, दिखा दिया जनता ने क्या मंसूबा है। गोरखपुर इलाहाबाद अररिया में, गोरखपुर इलाहाबाद अररिया में, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबा है, ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबा है। और अब फिर से घूमते हैं अपनी विधा में। आदरणी कह रही थी, सॉरी आदरणीया कह रही थी कि कान्हा बन के बुला लेना, तो वही कोशिश कर रहा हूँ बुलाने की सुनने का। कि तुम्हारा नाम लिख लिख कर हथेली से मिटाता है, तुम्हारा नाम लिख लिख कर हथेली से मिटाता है, बहुत है दर्द सीने में मगर वो मुस्कुराता है, बहुत है दर्द सीने में मगर वो मुस्कुराता है, तुम्हारे बिन अधूरा है शिवम अब इस जमाने में, चली आओ मेरी राधा तेरा कान्हा बुलाता है, चली आओ मेरी राधा तेरा कान्हा बुलाता है। एक मुक्तक उस बार एक छोटी सी गजल फिर अपना स्थान लेता हूँ। चार पंक्ति और देखिए, ऑलरेडी अगर कविता हो जाएगी मन से आंसू बहा चुका कि कभी साकी का मुझको वो छलकता जाम लगती है, कभी साकी का मुझको वो छलकता जाम लगती है, बनारस की खिली सुबह अवध की शाम लगती है, बनारस की खिली सुबह अवध की शाम लगती है, बनारस की खिली सुबह अवध की शाम लगती है, मुझे इतना सुकून मिलता जब वो पास होती है,
जिंदाबाद। वो पावन है शिवम इतनी कि चारों धाम लगती है, वो पावन है शिवम इतनी कि चारों धाम लगती है। एक गजल के दो तीन शेर अपनी जगह लेता हूँ। हाँ बेटा बढ़िया, ताली बजा सकते हो। छूले गर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, छूले गर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, छूले गर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, तेरी कातिल नजरों से ये दिल घायल हो जाएगा, तेरी कातिल नजरों से ये दिल घायल हो जाएगा, कि नजरों का हथियार बनाकर कितनी जाने ले ली हैं, नजरों का हथियार बनाकर कितनी जाने ले ली हैं, नजरों का हथियार बनाकर कितनी जाने ले ली हैं, कुछ दिन में अब बैन तुम्हारा ये काजल हो जाएगा, कुछ दिन में अब बैन तुम्हारा ये काजल हो जाएगा। और ये शेर मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा शेर, आपने देखिएगा। छूले गर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, कि कोई क्या बतला पाएगा माँ के आंसू की कीमत, कोई क्या बतला पाएगा माँ के आंसू की कीमत, कोई क्या बतला पाएगा माँ के आंसू की कीमत, जिस पानी को छू ले माँ वो गंगा जल हो जाएगा, जिस पानी को छू ले माँ वो गंगा जल हो जाएगा। और पूरे रात की शायरी एक तरफ अगर ये शेर नौजवान अमल कर लें तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। वो शेर आप लोगों के बीच रखता हूँ। कि छू ले कर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, कि सड़कों तुम क्यों लड़ते हो इज्जत का भी ध्यान रखो, सड़कों पर तुम क्यों लड़ते हो इज्जत का भी ध्यान रखो, सड़कों पर तुम क्यों लड़ते हो इज्जत का भी ध्यान रखो, घर में घर बातें कर लो तो मसला हल हो जाएगा, घर में घर बातें कर लो तो मसला हल हो जाएगा। मकतब पढ़ता हूँ नौजवानों आप लोगों की तरफ से। हाँ भैया। और अपनी ढेर सारी दुआएं देके मुझे विदा करना यहाँ से। कि छू ले गर तू मुझको आकर तन संदल हो जाएगा, कि नाम तुम्हारा लिखता है और उसके सजदे करता है, नाम तुम्हारा लिखता है और उसके सजदे करता है, नाम तुम्हारा लिखता है और उसके सजदे करता है, तुम न मिले तो शिवम तुम्हारा अब पागल हो जाएगा।